पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने इसका ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव अब आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी अब कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। पप्पू यादव ने कांग्रेस के साथ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवन खेड़ा ने पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल कराया। बता दें कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पप्पू यादव ने कहा, मेरा पूरा परिवार कांग्रेस विचारधारा के साथ है। मैं राहुल गांधी के साथ हूं और वो दुनिया के सबसे बेहतरीन नेता हैं। वो दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल और प्रियंका गांधी का विश्वास मेरे लिए काफ़ी है। मुझे पूरी कांग्रेस पार्टी में सम्मान दिया है। राहुल गांधी ने 130 करोड़ लोगों का दिल जीता है। इससे पहले पप्पू यादव मंगलवार देर रात राजद सुप्रीमो लालू यादव और पार्टी नेता तेजस्वी यादव से मिलने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात सीट बंटवारे को लेकर थी। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक बयान आना बाकी है। बता दें कि पप्पू यादव पूर्णिया में लगातार सभा कर रहे हैं और एनडीए पर हमला बोल रहे हैं। पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज अभिभावक पिता तुल्य आदरणीय लालू जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और भाई तेजस्वी जी के साथ पारिवारिक माहौल में मुलाकात हुई। मिलकर बिहार में बीजेपी को जीरो पर आउट करने की रणनीति पर चर्चा हुई। बिहार में इंडिया गठबंधन की मजबूती, सीमांचल कोसी मिथिलांचल में 100% सफलता लक्ष्य है। बिहार की राजनीति में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की खास पहचान है। उनकी ये पहचान तब बनी जब वो 1990 में निर्दलीय विधायक बनकर बिहार विधानसभा पहुंचे। मधेपुरा के सिंधेश व राजस्थान विधानसभा की सीट से पहली बार विधायक बनने वाले पप्पू यादव ने बेहद कम समय में कोसी बेल्ट की कई जिलों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। इनकी पत्नी कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। 1991 से लेकर 2014 के बीच वो 5 बार सांसद रहे, लेकिन 2019 में मोदी लहर में वो अपनी सीट नहीं बचा सके। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव पूर्णिया सीट से सियासी मैदान में उतरेंगे। अब बिहार में पप्पू यादव के आने से कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, ये तो अब वक्त और चुनाव के नतीजे ही बताएंगे।